और यहाँ पे गिरी है पेड़ के नीचे खुमानी इतनी सारी। का नाम क्या है बेटा? उर्बिच। छोड़ छोड़ पानी लगती है ना उसके अंदर ये गुठिया होती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी बज रहे हैं दिन के कितने बज रहे हैं, एक बजने वाला है। और अभी थोड़े बिजी थे हम सुबह से, मैं आज थोड़ा लेट उठी और हमारे आज लेबर आई है क्योंकि नए घर के पास काम चला है तो वहाँ पे 3-4 लेबर है और बाकी हम खुद होंगे। अभी लंच बना लिया है, मैं और बड़ी मम्मी शायद जाएंगे अभी लंच लेके उनके लिए, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या काम चला है। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन अभी मौसम ऐसा है, इधर इस वाली साइड से बादल है, इधर को साफ़ है, इस वाली साइड से फिर बादल है। और ये कल मम्मी लेके आए थे ये गुठियाँ हैं, आजकल जो खुमानी लगती है ना उसके अंदर ये गुठियाँ होती है और सर्दियों में हम इसका तेल भी निकालते हैं, तो उसके लिए अब इनको इकट्ठे करेंगे, धूप में सुखाएंगे, फिर जब ये सूख जाएंगी बाद में, फिर जब ये ड्राई हो जाएंगी फिर इनको तोड़ते हैं, इसके अंदर की जो गुठी होती है उसको निकाल के उसका तेल निकालते हैं। तो तेल तो सर्दियों में निकलेगा इसका, गुठी का तेल। अभी तो हम ये बहुत सारी इकट्ठे करेंगे जो भी खुमानी वगैरह होती है। और पिछले कल रात को तो बहुत सारी बारिश हुई थी लेकिन आज सुबह बारिश नहीं हुई है, आज सुबह सब ठीक, हर जगह नीचे नमी हो गई है। और जैसे कि हमने इस जगह पे हमने बीजी हुई है भिंडी, तो ये भी अभी उगना स्टार्ट हो गई है। छोटी छोटी दिख रही है भिंडी के, ये देखो भिंडी लग रही है। और इसमें तो पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि बारिश अच्छी खासी आई है तो नमी। ये है हमारे खीरे के प्लांट, ये खीरे के प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो गए दो, लेकिन इसके पास जो छोटी छोटी दिख रही है ना, ये छोटी छोटी ये मिर्ची की वो डाली है इन्होंने, मिर्च के पौधे हैं। अभी थोड़े बड़े होंगे तो इनको यहाँ से निकाल के दूसरी जगह लगाएंगे। तो इस बार तो सच में ही लग रहा है कि गर्मी का मौसम बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि जैसे ही थोड़ी गर्मी होने लगती है बारिश आ जाती है और ठंड हो जाती है। कल शाम को तो मुझे भी थोड़ी ठंड सी लगने लग गई थी पर अभी ठीक है, अभी थोड़ी धूप है, आगे से फिर से बादल आ रहे हैं। आज शाम के लिए फिर से बारिश बोला है, कल के लिए भी बारिश बोला है। तो अभी तो मैं और बड़ी मम्मी जाएंगे नए घर, वहाँ मम्मी तो वैसे ही सो जाते हैं कहीं भी खड़े खड़े। तो अभी बड़े मम्मी खाना लेके चले गए, पहले उन्होंने कहा कि थोड़े यहाँ से यहाँ पे काम है तू वो करके आइयो, तो मैं वो काम कर लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी। तो मम्मी आए अभी घास से और खड़े खड़े ही सो गए, इतने थके होते हैं, मतलब खड़े खड़े किसको कैसे नींद आ सकती है, इनको आ जाती है खड़े खड़े ऐसे ऐसे करके, ऐसे जाते हैं फिर सो जाते हैं। हेलो उर्वेश। हेलो हेलो हेलो, ये क्या है आपके अन्नू में? टॉपी। क्या है टॉपी? ओपी। मुझे दोगे? दिनेगे यार तुम तला बोल दो, नहीं जो दान दो नहीं चाहिए बेटू आप लोग। ये है मेरी कजन पूनम का बेटू, आपका नाम क्या है बेटा? उर्बिच। ये मेरी कजन है पूनम का बेटा और इतना शरारती है ना, इतना शरारती है, इसके साथ एक आदमी ऐसा रहना पड़ता है बिल्कुल। चलना नहीं चलना यहाँ पे, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखना पड़ता है, छोड़ो 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 है। दूसरा दूसरा रहने दो, ये नहीं उठाने अब, ये रहने दो, ये तो मुझसे भी पहले पहले चल पड़ा। मम्मा को बता के आना आपने, ठीक है साथी जाओ बेटो, जाओ जाओ जाओ, हाँ ठीक है गोबर का गिल्टा लेके आना। मैं खेत जा रही हूँ और ये भी साथ में चल पड़ा था कि अब मैंने जाना है घूमने, छोटे बच्चे घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं ना, तो मैंने इसको बोला कि मैं अब बाद में ले जाऊँगी, तो अब ये वापस चला गया, पर ये याद रखता है। तो आज भी मौसम पिछले कल की तरह ख़राब होने लग गया है और मैं जा रही हूँ अभी नए घर क्योंकि वहाँ पर चल रहा है कुछ काम, वो भी देखते हैं और बाकी घर वाले भी वहीं पे, मम्मी है सिर्फ घर पे। और मुझे एक जगह खेत भी जाना है, वहाँ से हमें लानी है खुमानी, खुमानी लाएंगे मस्त अपने, फिर उससे वो उसके अंदर का जो होता है गुट्ठी वो निकालेंगे। तो अभी मैं पहुँची हूँ नए घर के पास और यहाँ पे चला है काम, जो यहाँ पे नीचे हमारी ईंटें थी यहाँ पे वो कर दी सारी पीछे शिफ्ट, इतनी ईंटें थी यहाँ पे नीचे। मैं बोल रही थी ना कुछ दिन पहले कि यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पे जो गोबर था उसको शिफ्ट किया और नीचे जो ईंटें थी वो ऊपर शिफ्ट कर ली। यहाँ पर डंगा देना है शायद, थोड़ा यहाँ से पेड़ तक डंगा देना है, थोड़ा सा तो यहाँ से दिया हुआ है, फिर पेड़ से पेड़ तक देना है इतना जैसा, शायद उसके लिए कर रहे हैं।
फिर यहाँ पे बाकी ये रेत रूत आ जाएगा नीचे मिक्स भी करने के लिए भी। यहाँ पे लगाया जाए पूरे ईंटों का ढेर। जब ये ईंटों की गाड़ी आई थी ना, ये हमने खुद उतारी थी, 5000 ईंटें थी इसमें, अब इतनी सी रह गई है। ये छोटा बच्चा सो गया। तो यहाँ चला है थोड़ा बहुत काम, और अभी मुझे खेत भी जाना है, वहाँ से मुझे लाने थोड़ी सी खुमानी आनी है, थोड़ा खुमानी आनी। भाई बड़ी मम्मी क्या हाल है? चंगे चंगे चंगे। ये मेरे साथ लुटते रहते, मेरे को से गुदगुदी करते रहते बड़े मम्मी। तो पीछे का मौसम देखो क्या तगड़ा मौसम हुआ है, और मैं चल पड़ी हूँ खेत क्योंकि मुझे लानी है खुमानी वहाँ से, इससे पहले बारिश आए। उतरे हुए फटाफट से खुमानी उठा के ले आएंगे यहाँ तक, और बस यही काम करना है अभी। तो अच्छा मौसम है, ऐसा वाला मौसम मेरा होता है फेवरेट मौसम, जिस दिन बादल बादल हो पर बारिश भी ना हो, धूप भी ना हो और हवा चल रही हो, अभी ऐसा ही मौसम है। तो अब मैं आपको मिलूंगी सीधा खेत में। तो पहुंच गई हूँ मैं खेत में, और यहाँ पे गिरी है पेड़ के नीचे खुमानी इतनी सारी। अब ये ले जानी है घर, तो इनको किल्टे में डाल के ले जाएंगे। पक्के खुद गिर रही हैं, एक दर ऐसे ही निकालते हैं खाने के लिए। और जो ये है खुमानी, और बारिश होने शुरू होगी यार। कल मम्मी थे मेरी जगह पे यहाँ पे, और बारिश होने लग गई, आज मेरी बारी है। पेड़ के नीचे तो पता नहीं चलता, तो फिलहाल की लिपनी है खुमानी कर लेते हैं कट। तो ये खुमानी हम खाएंगे, देखते हैं अच्छी है यार, अंदर से साफ है, पर मेन चीज हमें इसकी ये अच्छी है। फिर देखते हैं, बारिश रुकती है तो घर चल जाएंगे। पहले जो बाहर गिरी है इनको उठा लेते हैं थोड़ी थोड़ी करके, फिर सीधी गिल्टे में जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी खुमानियाँ थी वो मैंने उठा ली और गिल्टे में डाल दिया। इसमें क्या होता है, जैसे पेड़ इतना बड़ा खुमानी का, जितनी तेज़ हवा चलती है उतनी ज़्यादा गिरती है पकने के बाद। और बारिश लग पड़ी बहुत खतरनाक वाली, पर मैं आ गई हूँ आंटी के घर, तो भीगने का कोई चांस नहीं, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ तक बारिश आ रही है, यहाँ तक जहाँ हम बैठे हैं। इधर बारिश रुक गई और अब उधर शुरू हो गई। मैं चल पड़ी हूँ घर की तरफ, इतनी तगड़ी बारिश आई है, ऐसी हल्की हल्की बूंदाबांदी तो अभी हो रही है, और अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम नए घर तक तो पहुँच ही जाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा ब्रेक ले लेंगे भले ही, क्योंकि और वेट करूंगी तो और बारिश आएगी। देखना दो चिड़िया, ये देखो दो चिड़िया, ये है सेब, सेब तैयार हो गया हमारे यहाँ। तो अभी पहुँच गई हूँ मैं गीतू के घर पे, गीतू भी आई है यहाँ पे, और ये मैं लेके आई हूँ अभी। तो बारिश, और देखो मेरी लग कितनी अच्छी, जैसे ही मैं पहुँची बारिश फिर से लगना शुरू हो गई। तो टाइम से पहुँची मैं, अब खाते हैं जो मैंने पेड़ से निकाली है खुमानियाँ, ये वाली खाते हैं। गीतू अपनी बुआ से बात कर, बुआ से बात करी, गीतू अपनी बुआ से बात कर रही है, और कुछ हाँ गीतू और लवली दोनों रियल सिस्टर है, गीतू बड़ी है लवली छोटी है। और कोई क्वेश्चन थे? बहुत कमेंट्स आए थे तेरे लिए, पढ़ लिया कर उनको। एप्रिकॉट खुमानी सारा या पर बोल पाकड़ू पाकड़ू। तो ये चल पड़े हैं घर भैया लोग, ये छोटे बच्चे का बॉल भी दिखा रहे हैं साथ में। तो ये आज हमारे यहाँ पे काम करने आए थे, एक छोटा बच्चा भी आया था साथ में, ये सोया था उस टाइम जब मैं गई थी। और लवली यार, किसी ने कमेंट में पूछा था कि लवली के मम्मी पापा कहाँ हैं, बताइए जरा। मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताई, ये टॉप सीक्रेट है। थोड़ी देर पहले इसने बताया था, थोड़ी देर पहले इसने बताया था, डिस्कस कर इस कमेंट को। एक ने ये कमेंट किया था कि लवली के पेरेंट्स कहाँ होते हैं, लवली गीतू के पेरेंट्स कहाँ होते हैं, तो ये बोलती बड़ी सी उनको बताना फॉरन में सेटल। पिछले गल की नहीं, परसों की लहसुन निकाली है उसको,
अलग कर रहे हैं खरीदने वाले कैंडिडेट कमेंट कर। हाँ, जिनको लहसुन लेनी होगी जी ऑर्गेनिक है तो आप कमेंट में लवली को बता दें। लवली ने रेट लगाया है 200 रुपए किलो, पर हाँ जो लोकल है वो जरूर बताएं जिनको सच में लेनी है, क्योंकि दूर हम नहीं भेज पाएंगे। हाँ, और पिक करने खुद आए नहीं तो इसका इसका स्टाइल अच्छा है, लवली का स्टाइल अच्छा है। ये साउथ की मूवीज ज्यादा देखती है इसीलिए दराटी से अलग कर रही है। फेमस सबको लगता है कि लवली बहुत काम करती है, ऐसा नहीं है, गीतू भी बहुत काम करती है। ठीक है, लवली ये देखो दराटी से कर रही है ना, ये हाथ से कर रही है, देखो देखो फर्क। और मैं बैठ बैठ के कुर्सी तोड़ रही हूँ तो अपना देखो जी, मैं तो अपना काम करके आई हूँ। ठीक है, मैं ये खुमानियाँ लेके आई हूँ इतनी बारिश में, और मैं तो चेयर पे बैठी हूँ, ये दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर मैं राम को और लवली से रिपोर्ट लेने आती हूँ कि तूने पूरा दिन भर काम किया। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि मैं भी काम में लग जाऊँ। कहाँ है डब, वो परे वाला यार, इतनी ये वाली भी ले जानी है तो ये निकाल देते हैं हम सारे। तो ये है पूरी लहसुन जो हुई है आर्ट, और ये है आर्टिस्ट, ऐसा इसने बोला बोले को। पर मेहनत इसकी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेहनत इसकी नहीं, ये ये वाली मेहनत हमारी है जो ये तोड़ा ना, इसमें इसने बहुत ढील डाली, ये भी तूने की है, ये हम पर। लेकिन अभी देखो मौसम हो गया साफ, और बिल्कुल ये देखो आजकल का मौसम ऐसा ही हो रहा है कि थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी, अभी धूप लग गई है और टाइम लैप्स लगाते यार, ये वाला बार आ रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। ये व्यू कुछ नहीं है इस व्यू के सामने। yes. चले फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो टाइम हो गया अपनी एक्सरसाइज का, और गया बारिश से, बारिश के बाद तो बिल्कुल साफ साफ हो जाता है सारा। अभी पीछे का व्यू देखो कितना अच्छा हुआ है, यहाँ सनसेट होगा, और इधर को है लवली का किचन गार्डन, और इधर है हम, इधर है हम नीचे जैसे, और इधर है हम। ये है यहाँ पे लवली पोज दे रही, लेकिन पीछे का व्यू देखो यार, पीछे का व्यू कितना तगड़ा है, मस्त है। अब हम जा रहे एक्सरसाइज करने, अब आप नीचे का व्यू देख लो जरा, नीचे से भी कुछ ऐसा ही व्यू है। अरे गीतू के घर से ऐसा व्यू है कुछ। तो अभी अभी जस्ट हम एक्सरसाइज करके निपटे हैं, तो ये मत सोचना कि हमने एक्सरसाइज नहीं की, हमने एक्सरसाइज की है। अभी तू तो झाड़ू भी मार रही है, अब इसके बाद एक्सरसाइज के बाद आजकल भी तू बहुत काम करती है। लवली को भी पीछे छोड़ दिया इसने काम के मामले में, तो ये मत सोचना कि लवली ही काम करती है, गीतू भी काम करती है। एक चिड़िया के लिए बैठी है बेचारी, ये चिड़िया मधु है, ये चिड़िया मैं हूँ, मैं चिड़िया मधु है, इसका चीड़ू पता नहीं कहाँ है चीड़ू पता नहीं कहाँ है। और हम चल पड़े हैं घर, आज देखो लवली छुप रही है, नहीं लवली के पास भी कुछ नहीं है, खाली है। गीतू आगे चली गई, उसके पास भी कुछ नहीं है, वो भी खाली है। मैं ले जा रही हूँ सिर्फ, मैं बोली, मैं बोल रही हूँ कि गीतू भी खाली है, नहीं बोलने का। हेलो एवरीवन, ये खुमानी खाने में बिजी हुआ है पंटी। पंटी और अभी ना मैं डिनर करके भी आ गई हूँ। आज मैंने डिनर प्रीति के घर पे किया था, तो उर्विश को ले जाते टाइम मैं उसके घर चली गई थी, उसके बाद वहीं से डिनर करके आई, पर मैंने अपना फ़ोन लेके नहीं गई थी, इसमें बैटरी नहीं थी, इसको मैंने घर पे ही रखा था, तो वो शूट नहीं किया। लेकिन वहीं से डिनर करके आई, और अभी जस्ट मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। आई एम सॉरी मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, मे बी फिर भी मैं हार्ट दे दूंगी। उसमें एक कमेंट इतना अच्छा लगा ना मुझे, मतलब उसको पढ़ते हुए मैं इतना उसमें चली गई थी कि लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार आप लोग इतना प्यार देते हो ना, बहुत बड़ी बात है मेरे। और सच में दिल से शुक्रिया आप सभी का। अभी भी मुझे ऐसा थोड़ा इमोशंस वैसे आ गए कि मतलब पता नहीं क्यों, पर मैं रो नहीं रही हूँ आज, आज नहीं रोने वाली मैं।
तो और कल का कुछ प्लान है, अगर देखते हैं कल अगर मौसम अच्छा रहा, बारिश नहीं हुई वैसे तो कल के लिए बारिश बताइए, अगर बारिश नहीं हुई तो वो प्लान वैसा ही चलेगा जैसा सोचा है, अगर बारिश हुई तो पता नहीं, तो कल का कल ही देखते हैं। और आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अब हमारा टारगेट है 100K। Then, this is Madhu Verma signing off. Bye bye. Take care. Annyeong. अच्छा, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरी हाइट कितनी है, मैं काफी लंबी दिखती हूँ, तो मेरी हाइट है 5 feet 5 inch, 5'5" है, तो yeah. एयरटेल से कोई मैसेज आया पता नहीं, तो मेरे घर में दीदियों में से सबसे लंबी हूँ मैं, मम्मी और बड़ी मम्मी से भी। अभी अब 100K कर दो, उसके बाद Q&A करेंगे, फिर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसके मैं आपको आंसर दूंगी। फिलहाल के लिए आप सब भी अपना ध्यान रखना और खुश रहना, और थैंक यू सो मच, बाय।